ये एक बहुत ही प्यारा गाना याद आ रहा है जो मैं मुझे बहुत पसंद है। हम बहुत अपने आप को लकी समझते हैं कि ये गाना हमको पवन जी के साथ गाने का मौका मिला था स्टेज पे और बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने मुझे ट्रेंडिंग स्टार करके बुलाया, मैं उस लायक नहीं हूँ लेकिन हाँ कुछ गाने आप सबका आशीर्वाद मिलता है तो मेरे गाने भी ट्रेंडिंग में जाते हैं और मैं उसके लिए रात मेहनत करती रहती हूँ। जितने कैमरा वाले भैया मतलब जितने ऑडियंस नहीं है उससे ज्यादा कैमरे वाले भैया हैं, ये सब प्यार है आर्यन बाबू के पापा का। गजब पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बहुआ हमारा पति कहाँ गया, कहाँ गया? आप उसको इतना मोटा जैकेट पहना दिए हैं, थोड़ा सा हल्का सा टी शर्ट पहनाना चाहिए। पता चला कि प्रोग्राम में कैमरे वाले भैया लोग को दिखाने के चक्कर में उसको कल पूरा घुमौरी हो गया। एक बार आर्यन बाबू के पापा के लिए जोरदार ताली बजाइए आप सब। नाम कितने लोगों को बुलाए हैं अभी तो सब लोग चले भी गए, कोई बात नहीं। कोई प्यारा I'm not afraid to die.
पूरा जिस अंदाज से अमृता जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया, आप चार ही हैं लेकिन शानदार हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार ताली ठोक दीजिए ताकि उनको दुआएं मिले, आशीर्वाद मिले। यूट्यूब चैनल वाले भाई ये जितने हैं अमृता जी, ये लोग व्यूअर्स देने वाले लोग हैं। यहाँ भले ही 5,000 या 2,000 3,000 1,000 लोग हैं, अलग मामला है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने बाइक से जा जा करके, कोई बलिया से आया होगा, कोई आरा से आया होगा, कोई बक्सर से आया होगा, सब लोग बड़ा मेहनत करते हैं। कोई उधर सासाराम रोहतास तरफ से भी लोग आया होगा, तो बड़े ये लोग क्रिएटिव हैं। सब लोग का स्वागत अभिनंदन हम सभी कलाकार करते हैं। बड़े जवान ये लोग हैं, जाते जाते तुरंत ये लोग एक लाइन सुनाना और पावर स्टार के साथ तमाम गाने हिट हुए और ट्रेनिंग में तमाम गाने गए। आप सबका प्यार आशीर्वाद के बदौलत देखिए बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे गानों को जब प्यार आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, आप बोल रहे हैं तो शायद आप जानते होंगे हम लोग मिले हैं। बिल्कुल हाँ, मिले हैं बहुत बार कार्यक्रमों में मिले हैं। बिल्कुल हाँ, अजीत भैया के साथ कार्यक्रम में, अजीत आनंद जी के साथ, और बिल्कुल मेरा छोटा भाई की तरह है बोलू सब लोग। आइए एक शेर पढ़ूंगा आपके लिए, उसके बाद सभी कलाकारों को इस्तकबाल करता हूँ। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जरा सा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट सकता है। ये मोहब्बत का सलीका था। आर्यन बाबू और उनके परिवार से आपका पारिवारिक रिश्ता था। तब आप मुंबई से पटना, एक पटना से आप बक्सर जिला में आए, ये पारिवारिक जुड़ाव था। दौड़ी दौड़ी चले आइए, तो परिवार का एक कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तब मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास आता हूँ तो सांस फूल जाती है, आपकी गायकी से अंतर मन की संवेदनाएं जागृत होती है। तब मैं कहूंगा कि तुम्हारे पास हो तो सांस फूल जाती है, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें फूल जाती है, तवासुर जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। अमृता जी आप जब गुनगुनाती हैं, शेर सब सुनाती हैं, तो ये रातें भी जाती है। आपकी गायकी से भोजपुरी जगत में उजाला होने लगता है। जब आप थोड़ा सा ठुमका लगाती हैं तो भोजपुरी की सांसें भीग जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे गुनगुनाते रहिए, दिल खिलाते रहिए, लोगों तक गाना सुनाते रहिए, और आपको बहुत बहुत साधुवाद।